सी हल्क एपिसोड 9 बहुत ज्यादा एपिक था। मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ भी ग्रैंड देखने को नहीं मिला, लेकिन जो भी देखने को मिला हमें पता चल गया। ऊपर से हमें केविन भैया के बारे में भी पता चल गया कि वो कौन है और वो कैसे मार्वल स्टूडियो को चला रहा है। और सी हल्क का बाहर निकलना सीधा अपने शो से और घुस जाना मार्वल स्टूडियो के अंदर, वो भी राइटर डायरेक्टर के पास, बहुत ज्यादा एपिक था। तो हम एक एक हिडन डिटेल के बारे में बात करेंगे जो मैंने नोटिस किया है। मैं देखो उतना मतलब छोटा छोटा डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो मैंने नोटिस किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पे जब मार्वल स्टूडियो के अंदर सीधा सी हल्क घुसती है और वहां पे हमें बहुत सारा पोस्टर दिखाया जाता है। और वहां पे यदि तुम ध्यान से देखोगे तो वांडा विजन, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और उसी के बाद इटरनल का सीन, बहुत सारे सीन हमें दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ ये सारा ही यहाँ पे दिखाया जाता है। उसी के बाद जब सी हल्क यहाँ पे बात कर रही होती है केविन से, तो वो उससे सीधा पूछ देती है कि एक्समैन कब आ रहा है, या कह सकते हो एक्समैन कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। सीधा वहां पे केविन कहता है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक्समैन आ रहा है, बस मार्वल स्टूडियो हमें बताना नहीं चाह रहे, या तो केविन भैया हमें बताना नहीं चाह रहे। लेकिन सीधा सी हल्क जब पूछ देती है तो देखो हम फैंस को बहुत ज्यादा मजा आता है ये सुनने के बाद, क्योंकि भाई कोई तो है जो सीधा जाके मार्वल स्टूडियो से पूछ लिया कि भाई एक्समैन कब आ रहा है, क्योंकि हम सब फैंस का एक ही सवाल है कि भाई एक्समैन कब आ रहा है। अब वहीं भी हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो सूप टॉक का सब्सक्राइब चैनल अभी तक देखो आपके यदि लाल दिख रहा है, और यदि आप उसे क्लिक करोगे तो वो सीधा ग्रे बन जाएगा। बिलीव नहीं हो रहा होगा लेकिन ट्राई करना। और वहीं पे बेल आइकन भी बना हुआ आएगा, उसको भी यदि आप क्लिक कर देते हो ऑल पे, तो जितने भी सूप टॉक का अपकमिंग वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। और उसी के बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि सी हल्क के पास जो यहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक करने का पावर है, वो डेडपूल से भी बहुत ज्यादा आगे है। डेडपूल से सिर्फ बात कर पाता है, और यहाँ पे सी हल्क सीधा अपने शो से बाहर आके दूसरे यूनिवर्स के अंदर, या कह सकते हो मेन यूनिवर्स के अंदर घुस जाती है, और वो सीधा बात करने लगती है डायरेक्टर से और राइटर से, जो कि बहुत ज्यादा खास चीज था। और वहीं भी यदि हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो केविन साफ साफ बोलता है सी हल्क को कि अब मिलते हैं नेक्स्ट बार अपने बड़े पर्दे पे, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सी हल्क हमें बड़े पर्दे पे भी देखने को मिलेगा, यानी कि मूवी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल आता है कहां पे? अब इसी डिटेल से आता है नेक्स्ट डिटेल। अब नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो यहां पे सीधा सेट हुआ है वर्ल्ड वॉर हल्क का यहां पे स्टोरी, या कह सकते हो वर्ल्ड वॉर हल्क का मूवी जो है वो ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। जब यहां पे सी हल्क बोलती है कि यहां पे हल्क कैसे आसमान से टपक गया, तो वहां पे केविन बोलता है कि ये आसमान से इसलिए टपका है क्योंकि इसको बताना भी तो है कि ये सकार पे क्यों गया था, वहां पे क्या हुआ है। वहां पे सी हल्क बोलती है कि नहीं, इसका अभी जरूरत नहीं है, उसे मूवी के लिए बचा के रखो। तो इसका मतलब ये है कि जो हल्क का मूवी है वो आ रहा है, और वो कुछ और नहीं वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे केविन ने साफ साफ एक मूवी को हिंट दिया है जो कि हल्क से रिलेटेड है, और इससे ये कंफर्म हो चुका है कि भाई अपना हल्क अब वर्ल्ड वॉर हल्क में यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। लेकिन बात आता है कैसे, तो देखो हो सकता है जब इसका बेटा आया है यहाँ पे धरती के ऊपर तो उसके पत्नी के साथ कुछ हो जाए, और जब हल्क को पता चले तो वो बहुत ज्यादा रेज मोड में आ जाएगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला स्टोरी लाइन स्टार्ट हुआ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता ही देना। और वहीं भी यदि हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो हमें हल्किंग भी दिखाया गया था। अब ये एक मजाक था, लेकिन यहाँ पे हल्किंग कॉमिक में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हल्क का एक फनी सा वर्जन है, या कह सकते हो मजे मजे में काम करने वाला वर्जन है, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है इसके बारे में, जाके आप देख सकते हो। साथ ही साथ यदि हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंसिया जो है उसका मजाक उड़ाया गया है, सिमिलर जैसा कि यहाँ पे टेंडरिंग के बारे में मजाक उड़ाया गया था। टेंडरिंग के बारे में हमें ये बताया गया था कि भाई वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आयरन मैन के अंदर उसे एक मजाक बना के रख दिया गया था, और उसके बाद हमें शांगजी के अंदर पता चला था कि भाई टेंडरिंग एग्जिस्ट करता है और वो एक रियल ऑर्गेनाइजेशन है। और सेम यहाँ पे हुआ है इंटेलिजेंसिया के साथ भी, हमें ये बताया गया कि ये एक मजाक है, लेकिन भाई साहब इंटेलिजेंसिया सच में एग्जिस्ट करता है, और हाँ रेड हल्क वगैरह सब आएगा, चिंता लेने का बात नहीं है। अब वहीं भी हम बात करें नेक्स्ट डिटेल के बारे में, तो हम सब फैंस एक ही चीज बोल रहे थे कि जब सी हल्क से जेनिफर में वो ट्रांसफॉर्म होती है तो वो एनिमेशन हमें क्यों नहीं दिखाया जाता है। तो भाई यहाँ पे साफ साफ केविन ने बोल दिया है कि सी हल्क तुम बहुत ज्यादा महंगे हो, और जब ये तुम ट्रांसफॉर्म होने वाला करती हो सीन तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, और ऊपर से हमारा जो VFX वाला टीम है वो कहीं और पे काम कर रहा है, तो जब कैमरा घूम जाए तब ये तुम किया करो, इससे हमारा पैसा और टाइम भी बचेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज था और बुरी भी चीज था, क्योंकि एनिमेशन देखने में ज्यादा ही मजा आता है। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिटेल के बारे में, तो सबके दिमाग में ये जरूर चलेगा कि मैट मैराडॉक का डेयरडेविल वापस कैसे आ गया जबकि वो जा रहा था। यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड के अंदर ही देखा था, यानी कि 8 एपिसोड के अंदर देखा था कि जो डेयरडेविल है वो जा रहा है और वो यहाँ पे अब नहीं आएगा, मतलब थोड़े दिन तक नहीं आएगा, लेकिन वो फिर से एपिसोड 9 के अंदर कैसे वापस आ गया। तो केविन के पास सीधा यहाँ पे सी हल्क ने बोला था कि मुझे, मैं एक औरत हूँ और मुझे जरूरत है एक मर्द का, तो मुझे वो वापस चाहिए। तो केविन ने फिर से उसे वापस स्टोरी लाइन में घुसा दिया, और इससे एक और डिटेल निकल के आता है कि सी हल्क और डेयरडेविल के बीच में अब
होगा, ठीक है समझ लो, आगे तुम लोग समझ क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब होगा और इससे इनका बच्चा भी होगा या हो सकता है, क्योंकि इसके पापा ने भी बोला था कि बच्चे को पालना आसान चीज नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे सी हल्क का बच्चा भी होगा या हो सकता है डेड डेविल और जेनिफर का बच्चा भी होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। ऑफकोर्स गुलू गुलू होगा तो बच्चा होगी, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन हाँ, और वहीं भी यदि हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो हम जैसे अबोमिनेशन को सोच रहे थे कि वो बुरा इंसान है और वो अब बुरा ही है और अच्छा बनने का वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो ऑफिशियली अब ये पता चल गया कि वो अब अच्छा इंसान बन चुका है और अब वो एंटी हीरो ही बनेगा या क्या सकते एंटी हीरो टाइप का ही बनेगा। और वो कैसे यहाँ पे ज्वाइन करेगा थंडर बॉर्ड को वो भी मुझे पता चल गया, क्योंकि लास्ट सीन यदि तुमने देखा होगा, पोस्ट क्रेडिट तुमने देखा होगा, तो वहाँ पे वांग आता है सीधा पोर्टल बना के और सीधा उसके डब्बे से लेके उसे गुल हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि अब जो अबोमिनेशन है वो कामता चला जाएगा और कामता से जो यहाँ पे थंडर बॉर्ड का टीम होगा वो उसे हायर करेगा और उसके बाद वो विलन की टीम के साथ मिलकर फाइट करेगा और दुनिया को बचाएगा, ये भी कंफर्म हो जाता है। वहीं भी यदि हम डिटेल के बारे में बात करें तो सी हल्क के ऊपर से जितने भी चार्जेस थे वो अब सारे के सारे चार्जेस खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे ऑफिशियली अब सी हल्क आजाद हो चुकी है और उसके ऊपर अब कोई भी यहाँ पे कह सकते हो खतरा नहीं है। वहीं भी यदि हम नेक्स्ट डिटेल के बारे में बात करें तो जो भी यहाँ पे फोटोज और वीडियोस लीक हुए थे वो सारे के सारे टेड ने ही लीक किया था और टेड के पास ही सारा डिटेल था। अब वो सारे ही डिटेल तो वो वापस ले लेंगे पुलिस, लेकिन हो सकता है कि जो ब्लड है वो टेड के पास नहीं है। और इसी से शुरू होता है एक और इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि है रियल इंटेलिजेंस। अब देखो टेड ने ये बोला था कि वो अपना रिसर्च टीम के साथ मिलके उसने एक ब्लड से एक ऐसा सीरम बनाया था जिसके मदद से वो हल्क बन सकता है और जिसको उसने ब्लड दिया है वो ये वाला डॉक्टर है जिसको हमने देखा था एपिसोड 6 के एंडिंग के अंदर। और ये जो डॉक्टर है मुझे लग रहा है ये एगहेड है या इंटेलिजेंसिया से एगहेड है या तो द लीडर है, और यदि दोनों में से ये कोई एक है तो भाई इसके पास अब ब्लड है और यही बनाएगा रेड हल्क को और यही बनाएगा शायद से फिर से हल्किंग को। क्योंकि भाई साहब यदि तुम ध्यान से देखोगे तो टेड के पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं है कि वो ब्लड के ऊपर रिसर्च करके वो खुद के लिए सीरम बनाए, तो वो किसी को दिया ही होगा सीरम या ब्लड दिया ही होगा ताकि वो उसके लिए सीरम बना पाए। तो हो सकता है यहाँ पर रियल जो इंटेलिजेंसिया है वो हमें देखने को मिले वर्ल्ड वॉर हल्क के अंदर, या तो एक और मेरे दिमाग में एक चल रहा है या क्या सकते हो यहाँ पे फैन थ्योरी चल रहा है मेरे दिमाग में कि जो वर्ल्ड वॉर का स्टोरी लाइन होगा कुछ इस टाइप से होगा, जो जेनिफर वॉल्टर का जो ब्लड है वो रियल इंटेलिजेंसिया या क्या सकते हो वो जो डॉक्टर है उसके पास है और उसके मदद से वो रेड हल्क बनाएगा या हल्क बनाएगा या क्या सकते हो हल्किंग बनाएगा, जिसके कारण से वो लोग सीधा हमला करेंगे हल्क के फैमिली के ऊपर और उसके फैमिली के अंदर कुछ ऐसा होगा या कोई मरेगा जिसके कारण से हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और रेज मोड में आके वो वर्ल्ड वॉर हल्क बन जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और ये कुछ डिटेल थे जो कि मैंने नोटिस किया तो आपको मैं बता दिया। और भाई मैं पूरे एक्सप्लेन करते हुए पूरे ये सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूं जो कि कल या परसों तक आ जाएगा, तो यदि आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और ये कुछ डिटेल थे जो मैंने नोटिस किया तो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। हां कि तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हां कीप वाचिंग सुपर टॉक।